ओके सर। कुपवाड़ा रेजिमेंट से डेपुटेशन में एनएसजी में गया हुआ कैप्टन अर्जुन पांडे। मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, ऐसा तुमने कहा, हमारे पास एविडेंस है। ऑर्डर को रिजेक्ट करना आर्मी में कितना बड़ा क्राइम है तुमको बताने की जरूरत नहीं है। भाजी बाबा के विषय में बिना अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म किए हुए अपने आप डिसीजन ले लिया। तुम्हारी इस गलती के कारण कुछ लोगों की जान चली गई। आखिर हुआ क्या था? जम्मू कश्मीर को दिया गया स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370-35A को पाकिस्तान अपने फायदे के लिए सोच रहा था। मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही थी। आज़ाद कश्मीर नाम से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश की जा रही थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों की पूरी मदद करके हथियार भी सप्लाई करवाई थी। श्रीनगर लाल चौक के पास पाकिस्तान के सपोर्टर्स हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों ने जब कश्मीर नहीं छोड़ा तो प्रमुख अखबारों में उन्हें मारने के विज्ञापन भी दिए गए। महिलाओं, गर्भवती स्त्री, बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। कितने आदमी मारे गए अभी तक कोई हिसाब नहीं। 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में चले गए और आज भी उनमें से कई सिटीजन्स अपने ही देश में शरणार्थी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसी समय बना आतंकवादी की संस्था हरकतुल जिहाद अल कश्मीर, जिस संस्था ने पैदा किया एक बेहद भयानक इंसान मौत के सौदागर को, जिसका नाम है शहनवाज खान उर्फ गाजी बाबा। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। कश्मीर के रगों में मुजाहिदीन और गाजियों का खून है, यहाँ क्या चलेगा? लाशर्फिया, लाशर्फिया, इस्लामिया, इस्लामिया। असे गच्ची पढ़ो पाकिस्तान, बताओ रोस्त बटनाओ साथ। ए कश्मीरी पंडित, नहीं मानेगा ना तो मर जाओ। जिहाद, 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 जिहाद। कश्मीर किसका है? पाकिस्तान का। हम क्या चाहते हैं? आजादी, आजादी। ए भारत के कायरो, भाग जाओ। हाँ हाँ। चल। राहुल पंडित, जर्नलिस्ट हो ना, छापना चाहते हो हमारा फोटो, लिखना चाहते हो तो लिख। हम कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को 3 ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन। चलियो हमारे बन जाओ, बच जाओगे मजहब चेंज। चलियो कश्मीर छोड़ के चले जाओ। कान खोल के सुन लो, मरोगे मरोगे काफिर पंडितों, मरोगे। तुम पाकिस्तानी, हम कश्मीरियों को मार सकते हो पर इतिहास को बदल नहीं सकते। बदल के दिखाएंगे पंडित, बदल के दिखाएंगे। पाकिस्तान का होगा कश्मीर, हम मुजाहिदीन आए हैं। घर घर में घुसेंगे, चुन चुन के मारेंगे। हर एक गांव से बुलंद होगी आजादी, हर एक मस्जिद से बुलंद होगी आजादी, हर एक बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। तुम लोग जिहाद के नाम पर अपने मजहब को बर्बाद कर रहे हो। बस कर पंडित, सोच विचार बंद। जल जला है काफिरों का मैदान में, जो मुजाहिद आ गए हैं मैदान में। हमरे बन जाओ, नहीं तो मरियो बचाओ, मरियो। तो ठीक है गाजी, सुन ले, कश्मीर हमारी माँ है, हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हर हिंदुस्तानी कश्मीर के साथ है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये देख, मैं एक शिव भक्त हूँ। कश्मीर का हर एक हिंदू एक ही बात बोलेगा, हमलावर, खबरदार,
हम कश्मीरी हैं तैयार। पहले जाके अपनी फैमिली को बचा, बाद में देखेंगे तैयारी। चल भाग। क्या सरस्वती भागो, भागो सरस्वती भागो। सरस्वती 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 मुसलमान है। कश्मीरियों के रगों में गाजियों का खून है, कश्मीर के हवा के रगों में मुजाहिदों का खून है, कश्मीर की आवाज भारत है, भारत का।
हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं कैप्टन अर्जुन पांडे बात कर रहा हूँ। इट्स एन इमरजेंसी। बोलो अर्जुन। सर, गाजी बाबा ने सरहद जंगल को पार कर दिया है। पीओके में एक लेडी को ट्रैप करने से हमें पता चला है कि वो कराची से निकल चुका है। कब? परसों ही कराची से निकला है और इस बार वो बनारस में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इन्फो पक्का है ना? यस सर। आईएसआई जनरल जुबेर खान के फोन को इंटरसेप्ट करते समय हमें पता चला है। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। Where are you at? Okay, send me the coordinate. Yeah, I'll be online. Keep me posting. Sir, principal secretary 5 minute mein yahan aa raha hai. Okay. Meeting ka subject bataya Anish ne? Hi Anish. Hello sir. Sit. Thank you. You are a retired person from army man. Why do you bother us? Yeh hi to kasht nahi denge na sir. Issue kya hai? Ghazi Baba. मुझे
मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हमारी दुश्मनी देश की दुश्मनी से भी बड़ी है ना? अर्जुन, उसके जाल में मत फंसो। डोंट गेट प्रोवोक्ड, दिस इज एन इंटरनेशनल इश्यू अर्जुन। डोंट टर्मिनेट द टारगेट अर्जुन। ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हो क्या अर्जुन? मेरी बात सुनो अर्जुन। अर्जुन, लिसन टू मी, गॉड डैम इट, अर्जुन, पुट योर गन डाउन। आई एम वार्निंग यू, दिस इज अ डायरेक्ट ऑर्डर। यू आर लुकिंग एट अ कोर्ट मार्शल। अर्जुन, अर्जुन, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू आर अ सोल्जर। फारूक किधर है? गाजी बाबा पकड़ा गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि गाजी बाबा को कहां छुपा रखा है। गाजी बाबा बनारस में पकड़े गए हैं। अब क्या करें फारूक? क्या सोच रहा है फारूक? कश्मीर एक इंटरनेशनल मसला है, हमें कैसे भी भारत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे प्रेजर देना होगा, काम हो जाएगा। वो शर्मा, वो आरएसएस वाला है फारूक, कुछ नहीं होने वाला साहब। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बुरहान, हर आदमी की जिंदगी में अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज होती है, पता करो उस चीज को। बड़ा तेलो काहे भाग रहा बड़ा, और ये लोग क्या? सर, हमने के एक दूसरा से प्यार करनी जा और शादी भी करे चाहता नहीं, लेकिन इनका बाबूजी हमके मुआए चाहता रहे, हमके बचा ली सर। हाँ भैया, इस सच कहता रहे, हम लोग के बचा ली ही आप। कारे, हमने के आर्मी के लोग अपना गांव घर से दूर रह के सबके सुख चैन खातिर बॉर्डर पर अपना देश की रक्षा करनी जा, और तोहनी के ऐजा अपने देश के अंदर वे सबके सुख चैन छीन के गुंडागर्दी कर दर्शन। ए, तू आर्मी बाड़ा चाहे केहू बाड़ा, ये हमरे गांव का मामला बा, छोड़ के चल जा। यहां से तो चल जाइब, लेकिन एकनी के छोड़ के ना, तोनी के तोड़ के। ए, लेके आवा। Yeah.
थैंक यू भैया। एक दूसरा से प्यार के लिए बड़े लोग तैसन कई मुसीबत के सामना तो उन्हीं के करके पड़ी। एक दूसरा के साथ कभी मत छोड़िए, साथ रह के मुसीबत के सामना करिए। ठीक बा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चायली ए जी, चायली ना। अरे सुनी ना चायली। थैंक यू। यहाँ सबके मालूम बा कि रउआ बहुत बड़ा पत्रकार बनी। घर में भी यही काम करब का कि बेटी के बिया के बारे में भी कुछ सोचब। एक हफ्ता बचल बा। अरे तू चिंता मत करा, हमने के इकलौती बेटी बिया, बिया के सारा काम फटाफट हो जाए। ऊ कैसे, अभी तक तो एक काम भी शुरू नहीं किए भइल। अरे आपन ही काम करे खातिर हमार अर्जुन बेटा अकेले ही काफी बा। हाँ, सही कहनी ना? बिल्कुल सही पापा। आखिर कहाँ बार आउर बेटा? यही जा। भैया यही जा बात तुहार बेटा। अरे अर्जुन बेटा तू आ गई ला। हाँ माई। बैग। प्रणाम पापा। खुश रहा। प्रणाम। खुश रहा। माई। और माई हम अपना पगली के अब से बिया है के पूरा जिम्मेदारी ले लेता नहीं, और अब तू लोग खाली देखत जा। हम एकर इतना धूमधाम से बिया के तैयारी करब कि खाली रहुए लोग ना बल्कि पूरा शहर देखी। भैया आप भी। अरे अरे बेटा तू काहे इतना पतला हो गई ला। हाँ। बेटा तू फ्रेश होला, हम तुहार मनपसंद के खाना बनावा। ठीक बाबा। पापा ये सब का? पापा। हाँ बेटा। ये सब का? देखा बेटा, बहुत खूंखार आतंकवादी गाजी बाबा के खिलाफ सबूत बा। जौन हम इकट्ठा कैले बानी ना, ये सबूत से ए बेरी गाजी बाबा बच ना पाए। लेकिन गाजी बाबा। बेटा अर्जुन। हाँ माई। बाद में बतिया लिया, जाके फ्रेश होला पहले। हाँ बस आओ। हाँ बेटा तू नहा धो के खाना खा ला। हाँ पापा जा। जाता नहीं। अरे आरती तू। हाँ हम। हाँ अर्जुन, पर हमरा के मालूम ना रहे कि तू घर आ गेल बाड़ा। हाँ बस काले अनिया, ओ शिवानी के शादी तय भइल बा ना। अच्छा शिवानी के शादी बा? ये तो बहुत खुशी के बात बा। हाँ। लेकिन तू जात कहाँ बाड़ा? ओ शादी के सामान लेवे खातिर जाता नहीं, कुछ शॉपिंग करे के रहे। अच्छा शॉपिंग, वो भी शिवानी के शादी के। तोरा के मालूम भी बा कि लड़की के शादी में काका लिहल जाला? हाँ यार ये तो हम सोचले नहीं की, सही कहा तारू। तू एक काम कर, हमहू तोरा साथे चला तानी। ठीक बा बैठा। love you love you love you
सब कैसे चल हॉस्पिटल चल चल चल
मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। You are a soldier. This is a direct order. जय हिंद सर। जय हिंद। गाजी बाबा के अरेस्ट होने के बाद कोई अजीब चीज हुई? एनी सस्पिशियस एक्टिविटी? प्रोसेस जारी है सर। एक ईमेल आईडी पे शक है सर। पूरा ट्रैक करने के बाद भी कुछ जानकारी नहीं मिली। फिर सरप्राइजिंगली दिल्ली मुंबई कलकत्ता ऐसे 24 सिटीज में ईमेल आईडी ओपन हो रहा है सर, और अभी तक चालू भी है सर। देखिए सर, अहमदाबाद में ओपन हुआ है। ये ईमेल्स जैसे ओपन हो रहा है, आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है सर? इसमें अजीब बात क्या है? पासवर्ड पास ऑन किया होगा? यस सर, हो भी सकता है। डाल लेके ना? हाँ, वेरी नाइस वॉलपेपर सर। सॉरी सर। डाउनलोडेड सर। वॉलपेपर को डाउनलोड करो। मिस्टर सुरेश, जल्दी से वॉलपेपर को डाउनलोड करना। ओके सर। या मेक इट फास्ट। ओके सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? और डाटा उसके साथ अटैच है, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। यस सर, प्लीज राइट। क्या हम इसे डिकोड कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मिस्टर सुरेश। यस सर। या मेक इट फास्टर। यस सर। जल्दी 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 सर। सर गो फॉर इट। ओके सर। गंगा में गोल्ड फिश नहीं है, ये क्या है सर? पता करो बनारस में क्या हो रहा है। वीआईपी मीटिंग्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स, एमपी एमएलएस, प्राइम मिनिस्टर रैली, एनीथिंग, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, हरी अप। वीआईपी मीटिंग कुछ भी नहीं है। बस इतना ही सर, उस तरफ कोई मिनिस्टर भी नहीं जा रहा है। पार्टी मीटिंग्स भी अगले महीने तक कुछ भी नहीं है सर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बेटी बनारस में पढ़ रही है सर। व्हाट? मिनिस्टर शर्मा की बेटी बनारस में ही पढ़ती सर।
वो लड़की है गोल्डफिश। ये अच्छा हुआ कि आपकी बेटी वाराणसी में नहीं है सर, इट वॉज अ नैरो एस्केप। जब उसकी माँ मरी थी तब वो बच्ची थी अनीश। बेचारी बिना माँ के प्यार दुलार के बड़ी हुई है वो। जब भी उसका मूड खराब होता है बिना बताए कहीं चली जाती है और इसी आदत ने उसकी जान बचाई है। उसका सेफ हाउस में रहना अच्छा है सर। नो 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 नो, शी इज अ फ्री बर्ड अनीश। मेरे पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसका फ्रीडम, उसका हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो सही नहीं है। वैसे ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम उसको कहीं अब्रॉड भेज दे तो डिक्लेरेशन करना होगा सर। हाँ, वो लोग आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं। या जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। या उसकी फ्रीडम को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे तकलीफ नहीं देना और अपने सिक्योरिटी रीजन को फुलफिल भी करना है। यू जस्ट कम आउट विद सम अल्टरनेटिव अदर प्लान, कैन यू? यस सर। हेलो, कल शाम के तू हजरतगंज से का कही केला बेटा? कल शाम में हजरतगंज में हम वहां नहीं गेल रहनी। लात खई बे, सुबह सुबह झूठ मत बोल। तू वहां गेल रहले, लाइसेंस ना रहल, ये वजह से पुलिस रोकले रहल। हमार बेटा हवे ई बोल के ते बच गेले। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमके बतालो सर। अरे सुबह सुबह कैसन बात करत नहीं रहुआ? तू चुप कर, हमें से पूछत बानी। तू बोल, हम नहीं गेलनी, उस सलोमन होई। अरे बेवकूफ कहीं के, तुहार सारा फ्रेंड्स अगर पकड़ल जाना तो हम उनकर बाप ही बोल के बच जालन। डिपार्टमेंट सोचेला कि हमार कितना मेरा रुबाड़ी। ई का सुन रहल बानी? रउआ खातिर तो हम अकेले ही काफी बानी, रउआ के और पत्नी चाहिए। अरे तू हूँ कुछ बोला? ई गधा के गधा दोस्त। अरे इका कले हवे? अरे तारा से ही पूछ रहल बानी हम। अफेक्टेड। ओह जीसस, परसों तू दोनों नो पार्किंग में कार पार्क केले रहले ना। ट्रैफिक वाला आके टायर के ब्रैकेट लगोले रहले ना, बाद में वो लोग आके देखलन कि कार नहीं की, ऐसे कैसे लेके गए ले। जल्दी करा, ठीक से पकड़ा। जालू तू कहाँ आशिक के छोड़ के ना 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 ना। ये डिक्की में क्या है? डिक्की के अंदर क्या कर रहा था? के बड़ा तू? हम हैं इंस्पेक्टर राज के बेटा कार्तिक राज। हाँ? कार्तिक बड़े तू? पहचान के लिए तरह के? अच्छा ये बता हम के हैं? तुम्हारे अदास्त गला से हम पगला गल बनी। तू ये अपार्टमेंट का वॉचमैन बड़े? अरे नौटंकी, ट्यूबलाइट जलल की नहीं? वह हमरा की याद नहीं खे आवत। ये डिक्की में सुतल रही ना तो दिन और रात के पता ना चलल, बहुत गर्मी रहला ना अंदर। अच्छा गर्मी रहला, तू आराम से डिक्की में सुत जा। ओनर आई कार लेके चल दी तब तो के समझ में आई नौटंकी। आपके यहाँ आने की खबर एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनीश जी फोन करके बताए। विदेश मंत्री शर्मा जी की बेटी हाल ही में आपके कॉलेज में ज्वाइन हुई है। सच? लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में, दरअसल आपके एडमिशन रिकॉर्ड्स में उनकी पहचान को नहीं बताया गया है और ना ही कभी बताया जाएगा, क्योंकि उन्हें खतरा है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल स्टूडेंट ही बनकर रहती है। अगर वो किसी फ्रेंड को बताए तो? डोंट वरी, बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो कौन है। हुँ?
जा रही बस लेकिन मत दिया ना ए लकी ए तू जा ए तेने आओ नाम का बतवार तानिया सर कहां से आयल बड़ू दिल्ली अपन दिल के धड़कन दिल्ली से आयल बा भाई अंदरंच बा सीएससी सर कस्टमर सर्विस बा का सर्विस अच्छा करबो किताब सर पर रखा और डांस करो अरे देखा देखा पहलवान जैसन आ रहा बा एकरे साथ देखेला बा तो हीरो जैसन आ रहा बा एके दिखाई हीरोगिरी का होला का भेल प्रेशर हो नाम कहा तानिया सर छोड़ दे के हम देख ले तू आवा रे रे आओ हमरे साथ रे क्या रे कैंपस में कभी दिखाई नहीं के देले पता ना सीनियर हो की आई एम कार्तिक हम हो फ्रेशर हैं टू मच हां पीछे मत देखा जल्दी चला लाइफ की डिक्लेस ना शुरू हो हे कम कम सिट हियर एको सेल्फी ले आ जा अब तू यार हमारा का नहीं थे कोई है हे तानिया देख लो यहां ही वाज वेविंग एट यू लाइकी के देखते ही तो हाथ हिला दिया पूरा इज्जत का बाट लिया बेवकूफ कार्तिक शी इज माय हॉस्टल मेट नित्या हाय वी आर स्टेइंग सेम रूम सालोमन माय फ्रेंड हाय नाइस टू मीट यू तू बड़ा सुंदर बाड़ू नित्या हाय नाइस टू मीट यू बहुत ओवर करता रू हमके मालूम है तू ही मरलू है इट्स नॉट मी अच्छा तू ना ई कहले चला हाथ मिलाओ कहले नहीं ना कहले लाल हो गई बुद्धू कहीं तारस नहीं के ओके ओके गाइस का ऑर्डर करी अरे कुछ अच्छा ऑर्डर करी मेनू देख ला डाइट वाला कोक हुई ना तो ऑर्डर कर दी है हमके मालूम बा एकरी बॉयफ्रेंड का फोन तो नहीं है ना के रहल ओकर पापा गुस्सा बाड़ी काहे तोहरा के का तू अपन काम कर It's okay, Tanya. Come on, smile. That's a good girl. Hi, Tanya. Hi. कल हमरे घर चलबू? काहे? ऐसे तो हमारे पापा इंस्पेक्टर हवा. हाँ. He is very particular about my friends. एक बार तो के मिला देता तो हमार काम हो जाए. That's all. का खोज रहल बाड़ू? आधार कार्ड ढूंढत बानी आधार कार्ड गुड वन लो माई कॉफी थैंक यू लेकिन बहुत सुंदर भी है ना हाँ बहुत सुंदर भी है तोहार घर कहाँ बा बेटी दिल्ली आंटी डैडी का काम करेले बिजनेसमैन अंकल शर्मा की बेटी बनारस में नहीं है घर में नहीं है दोस्तों के साथ भी नहीं है देश के बाहर भी नहीं गई है उस लड़की को कहां छुपाया है तुम्हारा देश कुछ भी कर ले पर गाजी बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आखिरी बार पूछ रहा हूं लड़की को कहां छुपाया है अगर बोलेगा तो तेरी जान बच जाएगी
हिंदुस्तानी फौजी, इस बॉम्ब को देख रहा है ना, रिमोट दबाने से नहीं फटता, बटन रिलीज करने से फटता है। छोड़ दिया तो मर जाएगा। 30 seconds, the time starts now, tick tock। शायद उसको लड़की के बारे में पता नहीं फारूक, हमारे पास टाइम नहीं है, अब क्या करेंगे? उससे जान प्यारी है तो जरूर बताएगा। देश में हमारा स्लीपर सेल सबको एक्टिवेट करवाओ। मुझे लगता है उस लड़की को बनारस यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं छुपा रखो। हर यूनिवर्सिटी पर नजर रखो अपनी, बहुत जल्दी वो लड़की हमें मिल जाएगी। फारूक भाई उधर देखो, जय हिंद। देखा आ गई। हाय कार्तिक। हाय नित्या। हे तानिया, तू लोग बाइक से कैसे पड़े? आई एम गुड। अरे बस आवते रही, कब से इंतजार करत रहनी। भैया कुछ आगे खतरा सोचे और बताओ आगे के प्लान का। ये रहल उस दिन सीनियर का के नखरा दिखा के लड़की हमरा खाता में लिखला ऐसा का। चलो ओके देखल जाए। ये देखा ऐसे भी नहीं पकड़। ये तो लेजी है ना, बॉडी मान खाती को लेके बाप का। ये ना हां ये बा के लेके का कहले भी रहे ना। ए तू हमें के हम बात पहली बार देखत है। भैया भैया भैया, इस साला जूनियर हो के सीनियर कह के लड़की लेके चल देला। रुका रुका हम बात करता नहीं। कहे ऐसा कहले। हेलो सर्किल इंस्पेक्टर के बेटा हूं। सर्किल इंस्पेक्टर हुए तो का, हम यहां के कॉर्पोरेटर हैं, बुझ लेते हैं। लेकिन देखा तो झगड़ा हो रहा है। अरे हिम्मत कैसे भाई लेके छोड़ नहीं। ये झगड़ा क्या है? पुलिस क्यों आई? इससे पहले इस कैंपस में पुलिस कभी नहीं आई थी। एडमिशन लिए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ। ये क्या तरीका है? विदाउट माई परमिशन इस कैंपस से बाहर नहीं जा सकते तुम लोग। इज दैट क्लियर? सॉरी सर। अर्जुन, सीनियर जूनियर में कुछ झगड़ा था, सीनियर्स को सस्पेंड कर रहा हूँ। नो 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 नो, ऐसा मत कीजिए। उसे आजादी से घूमने फिरने दीजिए। हर पल मेरी नजर उस लड़की पर है। Are you sure? Yes, definitely sure. Don't worry. Okay, Arjun. Yeah. सर, सब कुछ सही चल रहा है सर। उस समय वहां रहना अच्छा हुआ सर। गुड जॉब इस्माइल। थैंक यू सर। कल गाजी बाबा को स्पेशल कोर्ट फांसी की सजा सुनाने वाली है और गाजी बाबा को छुड़ाने के लिए कश्मीर में नौजवानों ने इंडियन आर्मी पे पत्थरबाजी की है और कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर गाजी बाबा को नहीं छोड़ा गया तो भारतवासियों को इसके पूरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सरकार ने देश के मुख्य शहरों को हाई अलर्ट कर दिया। ऐसा न्यूज़ देखा तो हमारा बाल तहरा जैसा हो जाएगा। चैनल चेंज करवाओ चाचा। चैनल चेंज कर दो यार, न तो परेशान करिए। इतना अच्छा जोक मान लिया तू लोग, केहू ना हंस लू। बस ये तो चाहता नहीं हूँ। आ तुझे दिल ने पुकारा, आ तुझे दिल ने पुकारा। ए बस 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 करा रुक रुक रुक। Based on the arguments and counter arguments presented today, this special court has come to a conclusion that the accused, Ghazi Baba, is guilty of anti-Indian conspiracy, murders in Kashmir, and terrorism. This special court hereby sentences Ghazi Baba to be hung until he is dead. Arjun! ये दस्तखत, ये ऑर्डर्स गाजी बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही दस्तखत, यही ऑर्डर मुझे मेरे आदमियों के हवाले कर देगा, ये गाजी बाबा का वादा है। अगर ऐसा हुआ तो दुआ करना गाजी कि मैं वहां ना रहूं।
क्योंकि अगर मैं वहां रहा कोई दस्तखत कोई ऑर्डर्स नहीं देखूंगा, सीधा माथों के बीचों बीच ठोक दूंगा। और ये एक हिंदुस्तानी का वादा है। गाजी बाबा को स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है फारूक। हम उस लड़की को ढूंढने में बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो लड़की लखनऊ में है। ऑनलाइन से अच्छा पराठा तानिया यहाँ मिलेला। एक बार तू यहाँ के गरम गरम पराठा खा के तो देखा, मजा आ जाए। ना दे तनी से पिए के बा का एटीट्यूड बा। सोलोमन एगो गेम खेला लिया बेट का बा। इफ आई लूज ई पूरा बिल हम पे करब, इफ यू लूज ई को हम के दे दिया। नियम का बा सिंपल, रूल्स आर वेरी सिंपल। हम तह से 5 क्वेश्चन पूछे वाला बानी, हर क्वेश्चन के गलत जवाब देवे के पड़ी। सारा जवाब गलत देला तो तू जीतला,
हम सही करें ना, बिल्कुल सही करें। सलमान, बहुत आसान बात, लगा ला बाजी। रेडी? रेडी। ओके। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मनोज तिवारी। बेकार में बाजी लगे ना। तू बुद्धू हवा ना? मस गेला ना बुद्धू? बोला हाँ। बोला? अकलमंद? तू मामूली आदमी नहीं का? इंडिया के कैपिटल। Hey Solomon, I was born there. Banaras. लगता हम हार जाएंगे। ठीक है, तू दे दे। ऐसे नहीं लगता। दे दे। अच्छा, हम कितना क्वेश्चन पूछने हैं? तीन को पूछ लूँ, दो को बाकी बा। सुपर यार, सही जवाब। हम जीत गए नहीं, अभी को हमार है। अरे सालमन, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन के तो सही जवाब दे देला। बेकार में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ देला। चल बड़ी चल। ए पागल, ऐसे काहे पियत आड़ा तू? वो हमार खून पियतिया, रोज हॉस्टल के पास छोड़ा बोल के हमरा के परेशान करतिया, हर बात पर हमरा के कंफ्यूज कर देवे ली, गलत उत्तर देवे बोल के हमार कोको कोला लेके चल गई। अरे बुद्धू, कोको कोला ही तो रहल। अरे यार तू हंसा मत, हमरा गुस्सा आ रहल बा। सारा लड़की ऐसा होली सन, हर बार चूना लगावेली सन। सालोमन, वो लड़की बस तोरे साथ हंसी मजाक कर रही है ना, सब लड़की एक जैसा नहीं खे होली। एग्जाम्पल में तानिया के देख ला, एकदम स्वीट हार्टेड गर्ल, कितना क्यूट लड़की। आई लव तानिया। ए तुहार दिमाग तो ठीक बा ना? आखिर तानिया से प्यार के लेके एक रीजन बतावा। मालूम नहीं खे, बट आई लव तानिया। अरे चुप रहे यार, पगला गिल बड़ा का? हमार बात ध्यान से सुना, हमके तानिया बहुत पसंद भी है। आई लव तानिया। जैसे भी हो, तानिया हमरा मिले के चाहिए, प्लीज गॉड प्लीज। का भइल बेटा? हम दोनों दोस्त एक को लड़की से प्यार करें। ओ, गलत बात बेटा, एक लड़की खातिर झगड़ल पाप है। प्यार कुर्बानी मांगेला माई सन। हम अपना दोस्त से कहने की कुर्बानी दे दो। आ, आ, ओगा ए लड़का के माफ कर दिया। फादर, हाय, का भइल? तनिया एगो बात कहे के बता रहा से। हाँ? लाइफ में हम कोनो लड़की के पीछे नहीं के भगले, कैसे प्रपोज करी हमरा नहीं के मालूम, अकेला हूँ नहीं के। तो हमरा के बहुत पसंद बाड़ू। आई लव यू तानिया। तानिया के देख लू? ना देखनी। ठीक बा। कैसन बा? का भाई? मतलब सब कुछ नया बा तोहरे खातिर, हम सब कॉलेज कैंपस कैंपस। बहुत बढ़िया बा। इहा मत जाइहा, उहा मत जाइहा, ई मत करिहा, उ मत करिहा। कैंपस में बहुत रिस्ट्रिक्शंस बा, बहुत इरिटेट हो गई नी। ऐसा लगता कहीं और चल जाए। बात ई बा की आती क्या खंडाला का? ना ना, हमार मतलब तू तो जाइबू ना, हम सोचनी हम चल जाए। तोरा कैसे पता चलल कि हम जाए कि ना जाए? तू कैसे डिसाइड कर लेला? बोला बोला, कहाँ जाए के बा? तू चलबू? चलब, कहाँ लेके जाए बा हमके? तू अभी बोल लू है ना, ट्रिप हम प्लान करत बानी, कब चले के बा? अभी चले के बा। अभी गेल थोड़ा मुश्किल बा, थोड़ा टाइम लागी। ओके। इराकी
कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कमांडर, वो एग्जीक्यूट करता है। अब ये कहाँ है? शर्मा की बेटी कहाँ है? नमाज का वक्त हो गया, मैं चलूं? यस, इस फेक आईडी को इस्तेमाल करके फारूक को यहां आने पर मजबूर करूंगा। गाजी बाबा को छुड़ाने के लिए फारूक ने कोड गोल्डफिश का इस्तेमाल करने के लिए सोचा था, और उसी कोड गोल्डफिश का इस्तेमाल करके मैंने फारूक को लखनऊ आने पर मजबूर कर दिया। फारूक ने गर्ल्स हॉस्टल को कब्जा करके उस लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाया था। अगर ऐसा हो गया होता तो पूरी गवर्नमेंट उसके हाथ में आ गई होती, लेकिन सरकार और सुपीरियर्स मेरा कभी सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए मैंने खुद ही फैसला ले लिया। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था कि अचानक लखनऊ में मुझे फारूक का पता चला। अलावा कोई और एंट्रेंस है क्या? नहीं सर, अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है सर। Hmm.
हमार माई चाय भेज ले बाड़ी। हेलो इस्माइल। फारूक, अर्जुन को पता चल गया है कि तुम लोग लखनऊ में हो। कल तुम लोग जहां थे वहां पे अटैक किया है। मोहित सर, पूरे कैंपस में टाइट सिक्योरिटी लगाओ। ओके सर। वो लोग किसी भी टाइम यहां घुस सकते हैं। बी अलर्ट। जी सर। अब हमें और होशियार रहना होगा। हम लोग इस जगह पर हैं ये बात अर्जुन को पता चलने से पहले। वो लड़की हमें चाहिए। इका, ये सब कैमरा बंद का है बा? सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भई बा, यही खातिर बंद बा। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, साजिश बा। साजिश बा फारूक, फारूक कह जाए बा। फारूक हमने के बहुत पास में बा। अगर फारूक कैंपस में बा तो फिर वो लड़की कहां भैया? आर्मी का मतलब है ट्रस्ट, बचाने का भरोसा। उसी भरोसे पे ये ऑपरेशन तुम्हें दिया गया था। तुम्हारे सर्विलेंस में रहने वाली लड़की बिना बताए ट्रिप पे गई। फारूक के लिए तुमने सारनाथ जाके टाइम वेस्ट किया। इस मिशन ने वहीं से रॉन्ग टर्न ले लिया। इजंट इट योर फेलियर? अगर अपना नाकामयाबी समझ के रुक गया होता तो फारूक कामयाब हो गया होता, इसलिए मैं रुका नहीं। कैसे आना हुआ अनीश? बात यह है सर, आपकी बेटी का मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा है, सेल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सुना है किसी ट्रिप पे गई है दोस्तों के साथ। क्या आपको इंटीमेट किया है? इंटीमेशन? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। बहुत लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि मेरी बेटी ने बहुत सालों से मुझसे बात नहीं की है अनीश। चारधाम यात्रा में मेरी बीबी को टेररिस्टों ने मार दिया था। मेरे पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसकी मां मारी गई, ऐसा वो मानती है। उस दिन से वो खैर, एनीथिंग सीरियस? नो सर। एक फादर बनके रिस्पॉन्ड करूं या मिनिस्टर बनके रिस्पॉन्ड करूं समझ नहीं आ रहा। अपनी बेटी के लिए पावर का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता मुझे, और मैं बेटी खोना भी नहीं चाहता हूं। उन चारों को बचाने के लिए मैं तुमको पूरा पावर दे रहा हूं। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेस को भी कुछ नहीं पता चले। गाजी बाबा को छोड़ना नहीं और मिशन कंप्लीट करना। अनीश सर, जैन सर, लड़की का कुछ पता चला अर्जुन? सर अब वो लड़की लखनऊ में नहीं है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो मिर्जापुर की तरफ अपने दोस्तों के साथ गई है। थैंक यू सर, जय हिंद।
जय हिंद सर। जय हिंद। हम एरिया इंस्पेक्टर रंजीत कुमार। आई सर। उलेकी के बारे में कुछ पता चलन? हम वही काम करत बानी सर। ओके। सर, हमने के वही काम में लगल बानी जा। इतना देरी काहे होता? सर, वहाँ टूरिस्ट लोग कैंप में रहले। वहाँ 150 से भी ज्यादा कैंप बा। मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर रहला। यही खातिर देर हो रहल बा सर। कहाँ बड़े उदुनू? उदुनू वॉक पे गए बड़े। ना उदुनू का करत हो? केने गए ला? सुना सोलोमन, हम भी आवता नहीं। अरे रुको ना, इतना परेशान क्या हो तरह? अरे छोड़ा तू। ए बाबू, हेने आवा? का भेल? ई अचानक से अपार्टमेंट सब कहाँ चल गए? अपार्टमेंट बरसत है तो यहाँ पहाड़ी है, कौन काल में आ गई? ई का बोल के गई? सोलोमन, तू कब ऐसे जाएगा? ओके कहो उतर के जाए के हम अभी जाते नहीं। ओ भगवान जी, हमरा लगे बुद्धि नहीं के तारा लगे शर्म नहीं के। अरे हम ऐसे तक कह देनी। ए नित्या,
हाँ? बनारस ऐसन बन गए ऐसन कब भैल भाई गंगा नदी कहाँ चल गए हो ए, तानिया का भाई ठीक बड़ू ए, ए, तानिया चीटिंग नो 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 हे हे तानिया हाय होने का देखा तेरा होने देखा बुद्ध कहीं के हे पागल कहीं का आओ नित्या हम लोग खींचो साला तू हमके छोड़ के आ गई लो ए हट हमके भी दा ए रुक कहां भागा था रुक तारे के पकड़ था रुक रुक ए ना यहाँ कैसे आ गए तू यहाँ का करत बड़ा तू हमरा के जाना लगा जानत नहीं का हम इंस्पेक्टर राज का बेटा बानी राज के बेटा बड़ा ये क्या करता हाँ कार्तिक बाड़े तू हाँ। तारा से गो बात काहे करे हमने दूसरे काल में पहुंच गए है ना अरे बुद्धू ये दूसरे काल ना हमने दूसरे शहर में आई बानी बाकी तू यहाँ कैसे आ गई ला रात में बिल्डिंग में कार पार्क के ले रहा ना 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 यार रात में हमरा के ठंडी लागल तो हम कार के डिक्की में घुस गयी सवेरे आँख खुलल तो कुछ रहा बेना कैल सब कुछ गायब हो गए यार आखिर हम लोग कहाँ बानी बहुत लंबा कहानी बा चलो बताओ तानी चला गाजी कल तेरी फांसी की सजा फिक्स हो गई है ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है एक बार इसे पढ़ के और साइन कर दो जी हाँ द एंड तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश कश्मीर की आजादी और हिंदुस्तान की बर्बादी सर घाटी में एगो आदिवासी के खून हो गए बा और ऐसा खूंखार क्राइम यहां पहली बार भइल बा चला कौन है देख लो इसको ध्यान से इन्हन के पहले कबो नहीं देखे इनको कहीं नहीं देखा ऐसा बोल रहा है तुम्हन के है और इन्हन के बारे में काहे जानल चाहते तुम लोग कौन और इनको क्यों ढूंढ रहे हो कौन फारूकी कहले बा रघुआ के कैसे पता सर हाँ काहे की गर्दन तुर के मारे के तरीका फारूक के ही बा हाँ गुरमीत एक इमरजेंसी है सर यस का भेल कॉलेज के कैंटीन में कैंटीन ओनर और एम्बुलेंस स्टाफ का लाश मिला है सर का एम्बुलेंस में फेंक दो इसे एकर मतलब यस सर फारूक एम्बुलेंस में ही बा हो सकेला सर पता करा ही घाटी में कितना संदिग्ध एम्बुलेंस घूम रहे बा ओके सर एकर मतलब कि हमने के फारूक के बहुत पासे में बानी जा प्यार में दूरियां कितना मुश्किल होला ना खाली मुश्किल ही ना
सजा होला उ वहां देश के खातिर और अपन परिवार के कातिल के खत्म करे खातिर हमरा के छोड़ के तू दूर चल गईल अर्जुन और हम पागल के तरह वक्त गुजार रहल बानी। एक एक पल हमरा खातिर एक एक जुग जसन बीत रहल बा अर्जुन। अर्जुन तू जल्दी चलैया। आखिर तू लोग टूर पे काहे आयल बड़ा? हमरा समझ में नहीं आयल। तानिया हमके बहुत पसंद भी है। ओहो तानिया यह बाड़ी का बड़ा सुंदर लागत भैया। अच्छा चुन ले बाड़ा, गुड लक। थैंक यू भाई। लेकिन सालोमान कहला कि वो तानिया से प्यार करेला। हाँ? उस ससुरा के दोस्त समझनी, वो इतना बड़ा झटका देहलस। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अन्याय। यही से नित्या सालोमान के मिला के तानिया के प्रपोज करे के बा ई फिक्स बा। यही खाती ट्रिप प्लान के लिए माने। बहुत बढ़िया आइडिया बा कार्तिक, चला हाथ मिलावा, जा झार के। तू बस देखा जा भाई। अब हमरा समझ में आई कार्तिक तहार चाल। हाय। हाय। यहाँ क्या करता रू? कितना सुंदर लगा था ना? या सुपर। कार्तिक के भी ऐसा सीन बहुत पसंद बा। रियली? बहुत पसंद बा। दोनों के सेम टेस्ट।
कार्तिक के सोच अच्छा बा, तोहरे जैसे सोचेला। नित्या हम अभी आवतानी। हाय कार्तिक, नित्या के पास का बोलत रहे सलमान? बस ऐसा ही खुशबुस। खुशबुस खुशबुस का I don't know कहाँ चल गए? नित्या से का बात कर रहा भाई? लगा तो कार्तिक के नित्या पसंद भी है, यही से ट्रिप प्लान कर ले बाबू। कार्तिक बस हमारे को फ्रेंड बड़े, हमार दिल में उनका खातिर कोनो फीलिंग नहीं खे। इस ट्रिप के तोरा प्रपोज करे खातिर प्लान के लिए हम बाने ना कंफ्यूजन क्लियर करे खातिर। कार्तिक तहरा के बहुत पसंद करेला, तहरा से बात करे खातिर बहुत परेशान बा। ई कार्तिक ही हमरा के बतैला सर, कार्तिक बहुत अच्छा लड़का बा। उ सोलोमन और इनकरा के मिलावे खातिर और तहरा से प्रपोज करे खातिर ही ट्रिप प्लान कइले बा। ई मामला हा कार्तिक, कार्तिक का भेल? रुक, सुसु करता नहीं, ऐसे कहाँ चिल्लात रहले? तोके कब से ढूंढ रहा बानी? का भेल? बहुत अर्जेंट बात तहरा से करे के रहे। अब केकर घर जलावला? तान्या और नित्या दोनों जन के कंफ्यूजन हम दूर करके आ रहा बानी। हाँ, का कहिले ऐसन? तान्या के तू पसंद कराला, सालोमन तू दोनों जन के बीच में जबरदस्ती घुसत रहे, हम बिल्कुल क्लियर करके आ रहा बानी। फिर तान्या का कहली? वो है तो हमारा भी समझ में नहीं खे आई, अंत में वो दोनों के भी समझ में नहीं खे आई। समझ में नहीं ख्याल? हाँ तेरी तो। हाय तानिया, हमनी वापस कब जा रहल बानी? कल शाम के। लागत है तानिया हमसे प्यार नहीं करत का। कल शाम की यहाँ से जाए से पहले कुछ तो करे के पड़ी। अब हमरा के मदद करे वाला के मिली? कौनो दिमाग लगाए के पड़ी। बाराबंकी पुलिस थाना, एक मिनट। अच्छे से तलाश करिए, तू लोग का कर पाड़ा वहां पर? चार ठोरा स्टूडेंट बाड़े, वो लोगन के ना खोज पाला अभी तक, तलाश करा जल्दी से। सर का बा? वो स्टूडेंट लोग कौन कैंप में बाप पता चल गए? देखा कार्तिक, बेचारी कितना परेशान लागत। वो नित्या ना, वो है तानिया। इता नित्या बा, तानिया तो ऊ हो। अरे बुर्बक, कितना परेशान करता रे, अब समझ में आयल का भाई? तेरी तो तानिया। हमार बात के ना ध्यान से सुना, ओके? भाई ली रहे, कार्तिक तहरा के बहुत पसंद करेला, तहरा से प्रपोज करे खातिर ही ट्रिप प्लान के ले बा। ई मामला हा, पूरा कंफ्यूजन का कारण ही मोटुआ हा। सो फनी, नाउ आई एम वेरी हैप्पी कार्तिक। आरती,
हाँ अर्जुन, तू कब आई बा? और हम कितना साल तुम्हारे इंतजार करी? तू वहाँ बाड़ा, हम यहाँ बानी। बस थोड़ा दिन के और इंतजार बा, हम अपना मंजिल के बहुत करीब बानी। और जैसे ही हमार मकसद पूरा हो जाए, हम तोरा पास आ जाए और तोरा से शादी भी करब। सच? हाँ बिल्कुल। भले हम तोरा से दूर बानी, बाकी हम तोरा दिल में ही बानी और हमेशा तारा दिल में ही रहे। आपन ख्याल रखिए। ठीक बा, हम तुम्हारे इंतजार करब। ठीक बा, बाय। कुछ तो करे के पड़ी। तू लोग जा 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 जा। तानिया का भाई? कम 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 कम। बतावा का भाई? इस सारा कंफ्यूजन तोरे वजह से भइल। ओह माय गॉड, हम तो पागल हो गइल रानी, समझ लो। कब खुश हो रहल बा? का बात बा, हमरो के बतावा, हम खुश हो के। कार्तिक बताइए। आजा आजा, हम बतावा तानी। यस हो रहल बा हियां। तानिया तू तो बताओ कम से कम। कुछ ना सेलोमान, परेशान मत होगा। हाँ?
इंडियन गवर्नमेंट को इंटीमेट करो कि सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हमारे कब्जे में है। आप सब कौन है? मिनिस्टर की बेटी के हो? हम सब स्टूडेंट्स हैं और ट्रिप पे आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं, हम मिनिस्टर की बेटी नहीं है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। माय डैड इज अ बिजनेसमैन। आपको जरूर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। छोड़ो मुझे। तेरे बाप का नाम बोल। शर्मा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शर्मा। या कम इन, कम इन। कैप्टन अर्जुन पांडे हियर। सर, मिनिस्टर की बेटी किडनैप हो चुकी है सर। व्हाट? यस सर, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिला है सर। इराकी ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। ये खबर अभी अभी हमें इंटेलिजेंट एजेंसी से आ रही है। हम इंस्पेक्टर राजू बोल रहे हैं। बाबा का राइट हैंड कहे जाने वाला फारूक इकबाल इराकी ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। चल बार, चल 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 सीधा चल चल आगे करो, ले जाओ इनको। कार्तिक जाओ। अरे छोड़ो, चुप। चल चल नित्या, डाल सबको अंदर, डाल। चल अंदर, चल चल। बैठ अब, बैठ, बैठ नीचे। चुपचाप बैठ, छोड़ो। बैठ, छोड़ो। शर्मा, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। प्रूफ के लिए तुझे ये वीडियो भेज रहा हूँ। अपने सरकार से कह कि गाजी बाबा को छोड़ दे। तेरी बीबी को भी हमने ही मारा था। अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो अपने गवर्नमेंट से बात कर। अब गाजी बाबा को तुझे ही हमारे हवाले करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी बेटी भी तेरी बीबी की तरह मारी जाएगी। तेरी बेटी को कैसे मारूंगा, ये तो छोटा सा सैंपल था। ओके, तुरंत कैबिनेट मीटिंग अरेंज करो, वेरी अर्जेंट, सबको बुलाओ। अगर किसी को बिना बताए मारा तो डर से ज्यादा दर्द होता है, और अगर पहले बता के मारा तो दर्द से ज्यादा डर, और यही गाजी बाबा का हथियार था। विदेश मंत्री शर्मा जी की बेटी के लिए लिए गए फैसले से हमारी समस्या और बढ़ गई। हम अपने आदमियों से बात किए गाजी बाबा के इशू में। आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कैबिनेट का फुल सपोर्ट है। गाजी बाबा, मेरा देश, मेरी बेटी, मेरा स्वार्थ। मैं मिनिस्टर हूं इसीलिए मेरी बेटी को अगवा करके गाजी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं वो लोग, नहीं तो इतना प्रेशर नहीं होता मुझ पे। मेरी बेटी से बढ़कर मेरा देश है, इंडिया फर्स्ट। आई मस्ट रिजाइन। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ए के शर्मा ने इस्तीफा दिया। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ है। सबको ऐसा लगता है कि ये सब उन्होंने अपनी बेटी के खातिर किया होगा। मंत्री शर्मा जी की बेटी के किडनैप होने के बाद यूपी के डीजीपी ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पे रखा है। हैट्स ऑफ टू हिम सर, सलाम है उनको। दिसंबर 1989 में केंद्रीय मंत्री की बेटी
को अगवा कर लिया गया था। उसके बदले सरकार ने कुछ आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। सबने सोचा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि शर्मा जी इस्तीफा दे देंगे। टारगेट में तो सिर्फ शर्मा जी की बेटी थी, लेकिन शर्मा जी के इस्तीफा देने के बाद सबकी जान मुश्किल में पड़ गई। तानिया तो के भी ना पता लगी मिनिस्टर की बेटी ही हो। तानिया अपन घर के कोनो भी बात ना बतावेली, खाली इधर जाए उधर जाए यह सब बात करेली, हमके कुछ नहीं के पता। इस सिचुएशन के देख के लगा था नित्या के पैसा खातिर किडनैप नहीं थे खेले, एकरा पीछे कोनो बड़ा मकसद। मिनिस्टर शर्मा ने रिजाइन दे दिया फारूक भाई, अब क्या करें? जल्दी जाओ पकड़ो उन्हें। कार्तिक तू आवा जल्दी। कुछ ना हो, अरे बाप रे, सब ठीक हो जाए। आराम से, हाँ आराम से। अरे ना कर, कुछ ना हो तानिया, सबर कर, हमले चलते हैं तो। जल्दी चला 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 यहाँ से, चला भागा जल्दी। चला, ये तरफ, ये तरफ चला। ऐसन बात बा का? ठीक बा सर। ग्रास आयल फैक्ट्री के पास कुछ लोग हथियार और बंदूक लेके घूम रहल बाड़े, अब ये खबर मिला। अच्छा, हाँ सर, लेट्स गो। <आ, आ, आ, laughs>
नहीं। कार्तिक बाड़ा तू डिक्की में सो गया रहनी ना, कितना गर्मी होत रहा। चिट्ठी अगर गाजी बाबा को नहीं छोड़ा ना तो हर 6-6 घंटे पर एक एक लाश भेज। मादर फारूक ने मुझे वार्निंग दिया था कि वो हर 6 घंटे में एक एक को मारता जाएगा। सब सोच रहे थे कि एक जान चली गई, लेकिन मैं सोच रहा था तेरी जल्दबाजी से साफ दिख रहा है कि फारूक का हमला जारी है ना? इतनी आसानी से मासूमों की जान कैसे लेते हो? जंग में जान की नहीं जीत की कीमत होती है अनीश। किस बात की जंग, किसके लिए जंग? 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए गए उस पॉलिटिकल डिसीजन पर, या भटके हुए पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए हिंदुस्तान ने 75 करोड़ कंपनसेशन दिया था उस पर, अभी भी जो कश्मीरी हिंदुस्तान में रहने के लिए सोच रहे हैं उन जम्मू कश्मीरी जनता पर, जंग किस बात पर? हिंदुस्तान के खिलाफ। हमारा मजहब का मकसद एक ही है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही मजहब रहना चाहिए, हमारा ही रहना चाहिए। जीना है तो हमारे जैसा, नहीं तो मरना गाय के जैसा। ए, छी! तुम्हारे उस नीच देश में छोटे बच्चों को प्यार सिखाने की जगह नफरत सिखा रहे हैं, गंस दे रहे हैं, जान लेना सिखा रहे हैं और जान देना सिखा रहे हैं। तेरा मजहब, तेरा मकसद, इससे तेरे देश को क्या मिला है? 70 साल पहले तुम लोगों ने कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहती है पूरी दुनिया उसको, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं। अफसाना आशिक, नाम तो याद ही होगा, अब से 1.5 साल पहले तुम लोगों ने उसके दिल में जहर भरकर इंडियन आर्मी पर पत्थर फिकवाया। उससे उस कश्मीरी मुस्लिम लड़की को पूरी दुनिया के लोग टेररिस्ट कहकर बुलाते थे। अब वो लड़की कहाँ है मालूम? जिस हिंदुस्तान आर्मी पर वो पत्थर फेंकी थी, आज उसी हिंदुस्तान आर्मी से इसी जगह पे जम्मू एंड कश्मीर वुमेन फुटबॉल कैप्टन है। इंडिया को इंटरनेशनल स्तर पर रिप्रेजेंट करने के लिए वो रेडी है। तुम्हारे साथ है तो टेररिस्ट, हमारे साथ है तो स्पोर्ट्स पर्सन। है काफिर लोग,
अनीश तेरा मुल्क डरपोक है, शांति की बातें करता है और हमारी हिम्मत कहती है युद्ध कर। एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे भारत का नक्शा बदल जाएगा। कैसे जीतोगे? सिर्फ एक घंटे की सर्जिकल स्ट्राइक से तो तेरा वो देश कांप गया था, उस बात को भूल गया क्या गाजी? युद्ध करना इंडिया के लिए नई बात नहीं है और जीतना तेरे वश की बात नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान का है। आज तक इंडिया से पाकिस्तान ने 3 बार युद्ध किया और जल्द ही चौथा युद्ध भी होगा और वो कश्मीर के लिए होगा। कश्मीर पाकिस्तान को मिल के रहेगा क्योंकि ये हमारा जिहाद है। जिहाद गाजी, ये हिंदुस्तान है और अगर एक बार जय हिंद जिहाद बन गया ना तो तेरा क्या होगा, खुद ही सोच ले। अपने बाप से बोल कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, तेरी जान है। हेलो नित्या, नित्या बेटी, बेटी हमसे बात कर। डैडी, डैडी, हमसे गलती हो गई बेटी, उस बार तेरी माँ को नहीं बचा पाया। नहीं डैडी, इस बार तुमको। अब बिल्कुल सही है डैडी, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, मुझे अब पता चल रहा है डैडी, वाचमैन को जान से मार डाला। गाजी बाबा को छोड़ने के लिए बोल अपने बाप को। गाजी बाबा को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं डैडी, पर आप किसी भी कीमत पे गाजी बाबा को मत छोड़ना डैडी। नित्या, 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 हेलो बेटी, क्या हुआ बेटी? डैडी आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलो बेटी। पता नहीं अब मैं अपने दोस्तों से मिल पाऊंगी या नहीं। मैं सोलोमन को प्यार करती हूँ, ये आप उसे बता दीजिए। नित्या, 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 इतना दिन अपने पापा के नाम बोल के हर जगह से निकल जाते रहे, अगर ये लोग के उनका नाम बताए तो उन्हों के मार दी लोग, यह डर लगाता। वो लोग केहू के ना छोड़िए, टेररिस्ट पाड़े, केहू के छुड़ावे खातिर नित्या के टारगेट कैले पाड़े। हमके माफ कर दे कार्तिक, अगर गलती कोइले बानी तो प्रायश्चित करे के चाहिए। भाई का बात करता रहा, अगर सच ना मनी तो भगवान माफ ना करिए। सोलोमन का भाई इस तरह के देखते ही प्यार कैलस, इस तरह पर मरे ले तारा खातिर जान भी दे सकेला ही। लेकिन हम छोड़ा ना यार, ये सब का बात करता रहा। बात तू नहीं थे यार, ताने तोरा पर शक करे प्लान हम बनेले रहनी, गलत फहमी में आके हम तानिया के मिसलीड कैले बानी। सोलोमन गलती सबसे होला, हम मानत तानी कि दो दिल मिलाए में जो गलती होला ना ओकरा के गलती ना कह जाला कार्तिक, लेकिन हम तू दोनों के अलग। प्लीज प्यार बोले से ना होखेला, इट्स अ फीलिंग यार, जेलस इज अ पार्ट ऑफ इट। तोहार कोनो गलती नहीं खे, फ्रेंडशिप अलग होखेला और प्यार अलग होखेला, यू नो व्हाट इट मींस, वी आर नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग, वी आर लिविंग। नित्या और हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, ए हट, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ इसको, ए चुप, प्लीज चुप, शांत हो, शांत, प्लीज कुछ मत करना, ए छोड़ दो, हे छोड़ दो, छोड़ दे तनिया के, छोड़ दो, चुप। एक को मार के 6 घंटे हो गया है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, लगता है और एक को मारना ही पड़ेगा। अभी देख,
जाओ देखो जल्दी चलो चलो आओ आओ तुम उधर जाके देखो किसी को मत छोड़ना जाओ भाई अपने सारे आदमी को मार दिया भाई सर हमने आतंकवादियों को घेर लिया सर अर्जुन मेरी बात सुनो सर पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए अर्जुन अर्जुन एबॉर्ट द मिशन क्या यस नो सर ऐसा मत कीजिए अब बस मुझे 5 मिनट दीजिए मिशन पूरा होने वाला है जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर अर्जुन द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू रिलीज गाजी बाबा सर सर प्लीज सर सर लिसन टू मी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इट्स गवर्नमेंट डिसीजन अर्जुन तुमको छोड़ रहे हैं गाजी मुझे फारूक से बात करनी है अस्सलाम वालेकुम फारूक बाबा ये हमें छोड़ रहे हैं अब बोलो बाबा क्या हुक्म है कहाँ हो ये गांव तो कोलकाता के आसपास में बाबा मुझे समंदर के रास्ते से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जाना है जी बाबा कोलकाता में शिप रेडी करने के लिए बोलो अर्जुन मुझे पता है तुम इंटरसेप्ट करके सुन रहे हो उस दिन कहा था ना ऑर्डर काम नहीं आएगा अब मैं कहता हूं उसे स्कॉर्ट करके कोलकाता तू ही लेके आना एंड इट्स एन ऑर्डर एंड वन मोर कंडीशन मुझे तेरी दाढ़ी पसंद नहीं है अर्जुन इस लड़की को ढूंढते ढूंढते यहां तक तुम साये की तरह आए हो मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा मैं इस लड़की को बाहर भेज रहा हूं ने मेरे लिए स्नाइपर्स रखा होगा ना ऐसी गलती मत करना मैंने बॉम्ब के रिमोट को रिवर्स सर्किट दे दिया है मेरे सर को बुलेट लगते ही मेरा फिंगर रिलीज हो जाएगा और बॉम्ब ब्लास्ट प्लीज हेल्प मी चेकमेट चलो उधर जल्दी उधर जल्दी चलो जल्दी जल्दी करो
ऑफिसर अनीश गुरुवेला अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। गाजी बाबा को छोड़ो। अर्जुन पांडे याद है ना, मैंने कहा था कि वही दस्तखत वही ऑर्डर मुझे मेरे आदमियों के हवाले करेगा। ये गाजी बाबा कभी भी वादा नहीं तोड़ता। गाजी, इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने तक इसे नहीं छोड़ूंगा। That was not the deal, गाजी। सबको छोड़ दोगे बोले थे। चले जाओ, बच जाओगे, नहीं तो देख। बूम। इस लड़की को जान से मार दूंगा, छोड़ दे। गाजी को छोड़ दो, इट्स एन ऑर्डर। अर्जुन, अर्जुन, ठीक है, तुम भी हमारे साथ बोट में आ जाओ। इंडियन वाटर क्रॉस करते ही लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम गाजी बाबा को हमारे हवाले कर देना। अब सही रास्ते पर आया है तू। अपनी बंदूक नीचे कर और अपने आदमी को भी बोल कि अपने अपने हथियार फेंक दे। बोल। तेरे देश के 130 करोड़ लोग मेरा कुछ नहीं कर सके, तू तो अकेला है, क्या बिगाड़ लेगा? से आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए 130 करोड़ जनता की नहीं बल्कि इस देश का अकेला फौजी ही काफी है। तीन रंग का नहीं यह वस्त्र, यह ध्वज की शान है, हर भारतीय के दिलों का यह स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। अर्जुन, अगर मरेंगे तो सब मरेंगे। एक, दो, तीन,
जैसे को तैसा देना, हम हिंदुस्तानियों की फितरत है, चाहे वो प्यार हो या वार। गाजी, मैंने कहा था ना, जब तुझे छोड़ने का समय आए तो दुआ करना मैं वहां ना रहूं। ए सोल्जर, एक को मार के खुद को हीरो मत समझ, अच्छे से समझ ले, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। पर सलवार तो पहनी है ना, और चिंता मत कर, चूड़ियां मैं तुझे पहना दूंगा। और एक बात ऊपर दोजक में जाके अपने आकाओं को जरूर बता देना कि एक हिंदुस्तानी अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, और जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे हम तोड़ देंगे। भारत माता की जय। हाँ, मैंने गलती की, गाजी बाबा मेरे गन पॉइंट पर था, आपके ऑर्डर्स को मानकर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने गलती की। अगर उसी समय उसे मार दिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। हाँ, मैंने गलती की, गाजी बाबा को छुड़ाने के लिए फारूक ने दहशत फैलाया और कितने मासूमों को मारने का प्लान बनाया था, मैंने अपने रूल्स तोड़कर उसे लखनऊ आने पर मजबूर किया। हाँ, मैंने गलती की, गाजी बाबा हमारे हाथ से निकल गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे और फारूक को पकड़ा था, और अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को ना मानकर मैंने देश के दुश्मनों को मार दिया। हाँ, ये मेरी गलती थी, लेकिन मुझे अपनी इन गलतियों का कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं है सर। जय हिंद। गाजी बाबा जैसे टेररिस्ट का जिंदा रहना इस देश के लिए जितना खतरनाक था, अर्जुन पांडे जैसे एक सिंसियर सोल्जर का होना इस देश के लिए उतना ही जरूरी है। द रीजंस बिहाइंड गाजी बाबाज इनकाउंटर जस्टिफाइड।